दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एशिया कप शुरू होने में बस कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है और पाकिस्तान की पूरी टीम तैयारी कर रही है। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान का स्क्वाड भी पहले घोषित कर दिया था। अब वहीं पाकिस्तान का सबसे बड़ा महामुकाबला भारत से होने वाला है, उसके लिए कप्तान बाबर आजम ने अब तक की सबसे खतरनाक फील्डिंग 11 में घोषित कर दी है, जिसको देखकर भारत के कप्तान रोहित शर्मा के छूटे पसीने। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम ने भारत को हराने के लिए कई खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है और कप्तान बाबर आजम ने 3 घायल शेरों की एंट्री कराई, जिससे पाकिस्तान की टीम पहले से ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाला सबसे बड़ा महामुकाबला कब और कहां होने वाला है और पाकिस्तान के एशिया कप में अब तक क्या रहे आंकड़े और बाबर आजम ने कौन से 11 खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है, बताएंगे सभी जानकारी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएं, कप्तान रोहित शर्मा और बाबर आजम ने कौन सबसे बेहतरीन कप्तान है। तो चलिए आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें और क्रिकेट की ऐसी न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान का सबसे बड़ा महामुकाबला 2 सितंबर को दोपहर 3 बजे से शुरू होगा, जो श्रीलंका के कैंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो आप लोग 2 सितंबर से पहले सारे काम निपटा लें और मैच देखने के लिए तैयारी कर लें। वहीं बात करते हैं पाकिस्तान के एशिया कप के रिकॉर्ड के बारे में, तो अब तक एशिया कप के 15 सीजन खेले जा चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान ने 2 बार खिताब जीता है और 3 बार उप विजेता रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने भारत को हराने के लिए कौन से खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है प्लेइंग 11 में, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की टीम की ओपनिंग जोड़ी की, तो पहले नंबर पर पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज फखर जमान खेलते हुए नजर आएंगे। ये बाएं हाथ के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं और ये पाकिस्तान की तरफ से दोहरा शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। जहां फखर जमान बड़े बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं और इनका रिकॉर्ड भारत के खिलाफ भी शानदार रहा है, वहीं दूसरे सलामी बल्लेबाज इमामुल हक हैं, ये भी बाएं हाथ के खतरनाक बल्लेबाज हैं जो फखर जमान का बखूबी से साथ निभाते हैं और अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत देते हैं। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के 2 खतरनाक ओपनर बल्लेबाज जो भारत के खिलाफ होने वाले मैच के लिए तैयार हैं। वहीं बात करते हैं नंबर 3 पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम खेलते हुए नजर आएंगे, जो इस समय पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। वहीं इनका रिकॉर्ड भारत के खिलाफ बहुत ही शानदार रहा है, अक्सर इनकी तुलना विराट कोहली से होती। वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि विराट कोहली और बाबर आजम में सबसे बेहतर बल्लेबाज कौन है। नंबर 4 पर आएंगे पाकिस्तान के खतरनाक विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, ये मिडिल ऑर्डर पर पाकिस्तान की टीम के लिए रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कई मैच अपने दम पर जितवाए। वहीं इनका बल्ला भारत के खिलाफ खूब चलता है, अब देखना ये होगा कि 2 सितंबर को ये किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। नंबर 5 पर आगा सलमान खेलने आएंगे, ये पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज जो हाल ही में अच्छा प्रदर्शन करके एशिया कप में खेलने को मौका दिया गया इनको, अब देखना ये होगा कि ये एशिया कप में अपना जलवा बिखेर पाएंगे या नहीं। नंबर 6 पर पाकिस्तान के भरोसेमंद बल्लेबाज इफ्तिकार अहमद खेलेंगे, इन्होंने पाकिस्तान को कई मौके पर मुसीबत से बाहर निकाला है, लास्ट में बहुत तेजी से रन बनाते हैं और ये पाकिस्तान की तरफ से फिनिशर की भूमिका में नजर आएंगे। नंबर 7 पर पाकिस्तान के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर शादाब खान खेलेंगे, इनको इस बार एशिया कप में पाकिस्तान का उप कप्तान बनाया गया। दोस्तों, शादाब खान ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी गेंद और बल्ले से कमाल का प्रदर्शन करते हैं और ये भारत के खिलाफ बहुत ही अच्छा खेलते हैं, जो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा संकेत है। वहीं 8वें नंबर पर ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज खेलेंगे, ये बाएं हाथ के मीडियम पेसर गेंदबाज हैं और मौका पड़ने पर पाकिस्तान को निचले क्रम में बल्लेबाजी में मजबूती प्रदान करेंगे। नंबर 9 पर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी खेलेंगे, जो इस समय पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज हैं। शाहीन अफरीदी जो पावर प्ले में अपनी स्विंग गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं, वहीं डेथ ओवरों में बहुत ही घातक गेंदबाजी करते हैं। वहीं शाहीन अफरीदी का भारत के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार रहा है। नंबर 10 पर पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह खेलेंगे, जो अपनी सीम गेंदों से बड़े बल्लेबाज को परेशान करते हैं। इन्होंने भारत के खिलाफ 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भारत के बल्लेबाजों को बहुत परेशान किया था, ये पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में त्रुटि का इक्का साबित हो सकते हैं। वहीं नंबर 11 पर नाम आता हैरिस राउफ का, जो पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं। दोस्तों, ये शोएब अख्तर के बाद पाकिस्तान की तरफ से सबसे तेज गेंदबाज माने जाते हैं, ये पावर प्ले और आखिरी के ओवर में बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी करते हैं। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान की टीम के वो 11 खतरनाक खिलाड़ी जो बाबर आजम ने भारत के खिलाफ होने वाले महामुकाबले के लिए चुना है। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएं, क्या पाकिस्तान के ये 11 खतरनाक खिलाड़ी भारतीय टीम को हरा पाएंगे या नहीं। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें और क्रिकेट जगत की हर एक न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।